हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लोज। क्लोज मेनली तीन टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज, उसे रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, एडवर्ब क्लोज और तीसरा है नाउन क्लोज। आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है एडजेक्टिव क्लोज, जिसे रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं। जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर वह उसके किसी नाउन को क्वालिफाई करे या उसकी विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज कहते हैं। सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिश्ता बताता है, रिलेटिव क्लोज मतलब जो रिश्ता बताता है कि वह व्यक्ति कैसा है, कहाँ का है, वह चीज़ कौन सी है, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज में निम्नलिखित जो है रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होती हैं, जो रिलेटिव क्लोज के साथ जुड़कर के एक योजक का काम करती है और उनका अर्थ है थोड़ा बदल जाता है। जैसे हु का अर्थ कौन होता है, लेकिन जब ये रिलेटिव क्लोज में यूज होता है तो हु का अर्थ हो जाता है जो या जिसने, विच भी जो या जिसने, दैट भी यही होता है, हुम जिसे या जिसको, हुज जिसका या जिसकी। अच्छा, दूसरी कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स भी हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। व्हेन का प्रयोग समय के लिए किया जाता है और वेयर का प्रयोग जो है स्थान या जगह के लिए किया जाता है, व्हाई कारण के लिए और हाउ रीजन सॉरी कैसे किया जाता है उसके लिए यूज होता है। हु, whom, whose, that, इन सभी जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इनका प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। देट का जो प्रयोग है वो वस्तुओं, जानवरों तथा व्यक्ति सभी के लिए किया जाता है। विच, विच का जो प्रयोग है वो वस्तुओं तथा सिर्फ जानवरों के लिए किया जाता है। वेयर का प्रयोग जैसा कि मैंने बताई दिया स्थान के लिए किया जाता है। व्हेन का प्रयोग जो है समय के लिए किया जाता है। अब हम सबसे पहले जो है यूज ऑफ हु देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, द बॉय हु इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट। अब इसका सेंटेंस जो बनेगा, हम देख रहे हैं दोनों जो सेंटेंस है उनमें सब्जेक्ट एक जैसा है ना, तो पहले सेंटेंस से हम सब्जेक्ट लेंगे द बॉय, और दूसरे में जहां द बॉय है वहां पे क्या लगाएंगे, हु, उसे हटा करके। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, फिर दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे इज माई कजिन, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, वह लड़का जिसने लाल शर्ट पहनी है मेरा कजिन है। इस तरह से सेंटेंस बनने का पूरा रिलेटिव क्लोज का। चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, द मैन हैज नॉट कम फॉर टू डेज, द मैन ब्रिंग्स मिल्क। ठीक है, तो सेम वही का वही पैटर्न रहेगा, द मैन और दूसरे सेंटेंस में जो द मैन आया है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हु। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर टू डेज, मीन्स द मैन यहां से पहले वाक्य से सेंटेंस लेंगे और दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है वहां हु लगाएंगे, फिर पूरा सेंटेंस लिखेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको हम जोड़ देंगे। वह व्यक्ति जो दूध लाता है, कौन सा व्यक्ति, जो दूध लेकर आता है, मीन्स उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, दो दिन से नहीं आया है। तीसरा है, द मैन इज अवर न्यू टीचर, द मैन वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, द मैन, अब सेम बनाएंगे हम, द मैन हु वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल वॉज इज अवर न्यू टीचर, द मैन हु वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल इज अवर न्यू टीचर। ठीक है, आए समझ में। अब इसी तरह से हुम, हुम का अर्थ होता है जिसने या जिससे, जिसने, द वुमन हु इज, द वुमन इज द न्यू क्लर्क, द प्रिंसिपल वॉज टॉकिंग टू द वुमन, कौन सी वुमन, whom the principal was talking, the woman, देखिए अब डबल डबल यहाँ, पहले यहाँ आ रहा था अब बीच में आएगा डबल तो हम उसको हटा देंगे, यहाँ से हम सब्जेक्ट लेंगे, द वुमन whom द प्रिंसिपल वॉज टॉकिंग इज अवर न्यू क्लर्क, द वुमन whom द प्रिंसिपल वॉज टॉकिंग टू इज अवर न्यू क्लर्क। इस टाइप से बनेगा, थोड़ा सा इसे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये आगे नहीं आ रहा है, ये बीच में आ रहा है। प्रिंसिपल जिससे बात कर रहे थे वो लेडी हमारी न्यू क्लर्क है ना, तो द वुमन, कौन सी वुमन, जिससे प्रिंसिपल बात कर रहे थे हमारी न्यू क्लर्क है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे, द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर, यू सा
द मैन, अब देखिए द मैन हुम यू सा लिव्स नेक्स्ट डोर, वह आदमी जिसे तुमने देखा हमारे पड़ोस में रहता है। फिर द वुमन इज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, दे हैव इन्वाइटेड द वुमन टू द पार्टी, अब सेम ऐसे ही बनेगा, द वुमन हुम दे इन्वाइटेड टू द पार्टी इज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। अब जहाँ जैसे ही डबल आ रहा है तो वो चीज़ हट जाएगी, यहाँ पे भी डबल आ रहा था, यहाँ पे भी, तो इस तरह से हुम वाले जो सेंटेंस है वो आपको थोड़े समझना पड़ेंगे, और समझ के आप बनाइए बच्चों। जो रिलेटिव क्लोज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका एक ना एक सेंटेंस हु विच दैट या हुम वाला आता ही आता है। चलिए हम देखते हैं अब दैट। दैट का यूज कॉमन होता है, व्यक्तियों के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए भी होता है, जानवरों के लिए भी होता है, सबके लिए होता है, ठीक है। द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग, वी सा द मैच यस्टरडे, अब इसमें भी थोड़ा सा है, शुरू में आपको सीधा सीधा कुछ नहीं मिलेगा, द मैच जहां डबल आ रहा है उसे हमें हटा देना है। सेंटेंस बनेगा इसका, द मैच दैट वी सा यस्टरडे वॉज वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। यहां से सब्जेक्ट ले लिया, फिर डेट लगा दिया, और फिर जो लास्ट का जो पार्ट है वो लिख लिया हमने, और बीच में जहां द मैच डबल आ रहा है उसे हम हटा देंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द बुक सीम्स टू बी वेरी यूजफुल, आई बॉट द बुक लास्ट इवनिंग, अब यहां से सब्जेक्ट लिया, द बुक दैट आई बॉट, ठीक है, आई बॉट लास्ट इवनिंग सीम्स टू बी वेरी यूजफुल। फिर अगला सेंटेंस, द फ्लावर्स आर स्टिल फ्रेश, ही कट द फ्लावर्स दिस मॉर्निंग, अब इसमें भी ऐसे ही होगा, ये द फ्लावर्स जहां डबल आ रहे हैं वो कट जाएंगे, द फ्लावर्स दैट ही कट दिस मॉर्निंग आर स्टिल फ्रेश, ठीक है। ये थे तो आप हु विच दैट वाले जो सेंटेंसेस है उनको बहुत अच्छे से समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको जहां से भी सेंटेंस मिलते हैं अभी ये जो दो दो तीन तीन सेंटेंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब वेयर का जो एक सेंटेंस जो अभी तक बोर्ड में आया है वो मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज द प्लेस गांधी जी वास बोर्न, बहुत सिंपल है, वेयर बीच में लग जाएगा, दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी वास बोर्न, ठीक है। ऐसे ही वेन में भी बहुत सिंपल है, समय के लिए इसका यूज होता है, आई फॉरगॉट टू टेल द डेट, आई शेल रिटर्न, तो दोनों वाक्यों के बीच में जो है वेन लग जाएगा, आई फॉरगॉट टू टेल द डेट वेन आई शेल रिटर्न, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, आप इसे रिवाइज कीजिए और नहीं समझ में आता है तो पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, थैंक यू सो मच।